हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ड्राइव यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जून मंथ करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो जून 2023 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। देखिए, RBI में चार डिप्टी गवर्नर होते हैं। नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, इनके अलावा माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर। तो ये चारों ही RBI के वर्तमान डिप्टी गवर्नर हैं। देखिए, बात करें RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है भारत ने। तो एशियाई पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर 8वीं बार ये खिताब जीता। 2023 में एशियाई पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया गणराज्य के बुसान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत को 146 देशों की सूची में से 127वें स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और देखिए, इसका जारीकर्ता कौन है, तो वैश्विक आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए विशेष निदेशक बने हैं अजय भटनागर। अजय भटनागर ये झारखंड कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति विश्व बैंक के 14वें नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आंसर है अजय बंगा। अजय बंगा ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो विश्व बैंक के 14वें नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए, इन्होंने 2 जून 2023 को कार्यभार संभाला है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। देखिए, इनसे पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे, तो डेविड मालपास थे। तो डेविड मालपास का स्थान लिया है अजय बंगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें पुरुष फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसने जीता? तो आंसर है रुग्वे ने। तो 2023 में 23वां पुरुष फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसका खिताब रुग्वे ने जीता है। रुग्वे ने फाइनल में इटली को 1-0 से हराकर पहला खिताब जीता। 2023 में इसका आयोजन अर्जेंटीना में किया गया था, 20 मई से 11 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने? तो जून 2023 में BSF के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर है भारत में। तो 2023 में जो मिस वर्ल्ड पेजेंट की प्रतियोगिता होगी, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। देखिए, 2023 में भारत में इसका आयोजन होगा। 2023 में ये इसका 71वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन भारत में दिसंबर 2023 में किया जाएगा। इससे पहले का जो इसका 17वां संस्करण था, इसका आयोजन सैन जुआन प्यूटो रिको में 16 मार्च 2022 को किया गया था। और देखिए, बात करें वर्तमान में मिस वर्ल्ड कौन है, तो करोलिना बेला बस्का हैं जो कि पोलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सीट्स पर रहा है? तो आंसर है वियना। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में यानी कि दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो ये है वियना। ये वियना ऑस्ट्रिया का शहर है। देखिए, बात करें भारत की, तो भारत के नई दिल्ली और मुंबई इस इंडेक्स में 141वें स्थान पर है। और इस इंडेक्स का जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है 40वीं। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में 64 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 40वां स्थान मिला है। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। और इसका जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण के लिए समाधान। और देखिए, इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, तो इसकी मेज़बानी किसने की है? तो नीदरलैंड के सहयोग से कोटे डी आइबर द्वारा इस दिवस की मेज़बानी इस वर्ष की गई। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD तथा CEO कौन बने हैं? तो
तो आंसर है रोहित जावा। अगला क्वेश्चन, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं जो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? तो आंसर है भवानी देवी। तो भवानी देवी ये तमिलनाडु के चेन्नई की हैं जो एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली तलवारबाज बनी है। देखिए, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। 2023 में जो एशियाई तलवारबाज चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन चीन के बुक्सी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो इस वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और देखिए, आप सभी जानते हैं 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो 2023 में जो G20 का जी की जो थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम है। तो वसुधैव कुटुंबकम ये G20 की भी थीम है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी इसी के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले गोल में संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो जून 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले गोलमेज की संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जून 2023 में रो के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। रवि सिन्हा ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए, ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है तो ये दिल्ली में स्थित है, तो केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। तो केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर अब रखा है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो आंसर है पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसने सर्वाधिक 69 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर रही अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिसने कि 68 पदक जीते। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की बात करें तो 2023 में इनका आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में 25 मई से 3 जून तक किया गया था और इसका शुभंकर था जीतू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है सूरीनाम के। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से 5 जून 2023 को सम्मानित किया गया। देखिए, इन्हें यह सम्मान सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंदिका प्रसाद संतोखी द्वारा दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं, यानी पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आंसर है नोवाक जोकोविच ने। तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और इसमें उपविजेता रहे हैं कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे के हैं। देखिए, नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का ये 23वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो इसी के साथ नोवाक जोकोविच ये सबसे ज़्यादा पुरुष एकल मुकाबलों में 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक ने। ईगा स्वियातेक ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 में वुमेन सिंगल का खिताब जीता है, जबकि इसमें उपविजेता रही हैं कैरोलिना मुकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और देखिए, ईगा स्वियातेक ने अपने करियर का 4था ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराकर जीता है। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता है ऑस्ट्रेलिया, जबकि उपविजेता है भारत। देखिए, इसका फाइनल मैच इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में 7 जून से 11 जून तक खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम ये सभी ICC खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। देखिए, इसके फाइनल मैच में
प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था ट्रेविस हेड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो जून 2023 में जो चक्रवात तूफान आया था बिपरजॉय, जिसका नाम बिपरजॉय रखा गया, तो ये बिपरजॉय साइक्लोन किस देश ने नाम रखा है? तो ये नाम रखा था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अगला क्वेश्चन, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है ज्योयता गुप्ता को। अगला क्वेश्चन, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यू एयर द्वारा जारी 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखिए, अभी हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई थी, जिसमें प्रथम स्थान पर है पाकिस्तान का लाहौर शहर। देखिए, इस सूची के अनुसार दुनिया के टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? तो प्रथम स्थान पर है पाकिस्तान का लाहौर, दूसरे पर है चीन का हुतान, तीसरे पर है भारत का राजस्थान राज्य का भिवाड़ी शहर, चौथे पर है दिल्ली, पाँचवें पर है पाकिस्तान का पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने? तो आंसर है अमित अग्रवाल। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल। देखिए, UIDAI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन 2009 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है पीटर एल्बर्स। देखिए, पीटर एल्बर्स ये इंडिगो के CEO हैं, जो कि नीदरलैंड के हैं। तो ये भी हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है केरल। तो केरल राज्य में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नाम से एक सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसके जरिए पहले चरण में राज्य के 14,000 परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं दी गई हैं। तो इसी के साथ केरल राज्य खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो आंसर है IIT मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें नंबर के नए अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ये त्रिनिदाद और टोबैगो के नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। देखिए, सेल की स्थापना 1954 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो आंसर है अहमदनगर का। देखिए, इससे पहले महाराष्ट्र राज्य का जो औरंगाबाद नगर है, इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया था, और उस्मानाबाद का नाम बदलकर भी धाराशिव किया गया था, और अब अहमदनगर का नाम बदलकर रखा गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सावलो। सेलेस्टे सावलो ये अर्जेंटीना की हैं। देखिए, जून 2023 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन में 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की गई हैं, जिसकी कि नए उपाध्यक्ष बने हैं मृत्युंजय महापात्र, जो कि भारत के हैं, और इसके नए अध्यक्ष भी बने हैं अब्दुल्ला अल मंडोस, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के हैं, और इसकी प्रथम महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सावलो, जो कि अर्जेंटीना की हैं। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर है भारत ने। तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर जीता है, और ये भारत का पहला खिताब है। देखिए, 2023 में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन जापान के काका मीघारा में 2 जून से 11 जून तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पुरुषों के हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करें
तो पुरुषों का खिताब भी भारत ने जीता है। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा कर चौथी बार ये खिताब जीता। तो 2023 में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन ओमान के सलालाह में 23 मई से 1 जून तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो ये लागू किया है उत्तर प्रदेश ने। देखिए, LADCS की फुल फॉर्म है लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम। तो ये सिस्टम उत्तर प्रदेश राज्य में गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, हुरून इंडिया की 222 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार जो रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर है, यानी कि भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बनी है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है TCS और तीसरे स्थान पर है HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप देखिए 26.4 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ देश के कारोबारी समूह में सबसे ऊपर है। टाटा ग्रुप पहला इंडियन ब्रांड है जिसने 25 अरब डॉलर के मार्क को पछाड़कर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। यानी कि भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है टाटा ग्रुप को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे आकर्षक नियुक्त ब्रांड कौन सा बना? तो भारत का सबसे आकर्षक नियुक्त ब्रांड बना है टाटा पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है केरल। केरल राज्य बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है, जबकि छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर है गोवा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो आंसर है गुजरात के सूरत में। तो देखिए, गुजरात के सूरत में यहाँ पर इस वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक साथ 1,53,000 लोगों ने योग किया था, तो ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है सलमान रुश्दी को। तो सलमान रुश्दी ये एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं जिन्हें 2023 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो जून 2023 में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेटेरी ओर्पो। अगला क्वेश्चन है, मार्सेल सियोलाको को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो मार्सेल सियोलाको ये रोमानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आंसर है अरुंधति राय को। तो देखिए, अरुंधति राय ये एक भारतीय लेखिका और समाज सेवी हैं जिन्हें कि यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब देखिए इन्हें यह सम्मान क्यों मिला, तो अरुंधति राय की एक निबंध पुस्तक है जिसका नाम है आज़ादी, तो इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। देखिए, अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कई बार ये बुक पूछी जाती है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो ये किसकी है? अरुंधति रॉय की। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहली बार भारतीय महिला कबड्डी लीग ये खेली गई है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, जिसकी विजेता रही है उमा कोलकाता टीम, जबकि उप विजेता रही पंजाब पैंथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है राजस्थान। तो देखिए, दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस दिशा में साल 2022-23 में भारत के तीन राज्यों का एक विशेष योगदान रहा, जिसमें कि राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा हर घर जल जिला कौन सा बना है? तो आंसर है निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश राज्य का है जो भारत का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है। अब देखिए, तो दूसरा बना है, लेकिन इससे पहले कौन सा बना था? तो देश का पहला हर घर जल जिला भी मध्य प्रदेश राज्य का बना था, जिसका नाम है बुरहानपुर जिला, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो आंसर है ढाका में। तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ
ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुबरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? तो आंसर है मालदीव। तो भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जून 2023 में, जिसका नाम है एकुबरिन। तो ये इसका 12वां संस्करण था, जिसका आयोजन उत्तराखंड राज्य के चौबटिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो जून 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक और भारत ने कौन से राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत ने 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख प्रति रुपये शेयर का आंकड़ा छूने वाला देश का पहला स्टॉक कौन सा बना है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आंसर है MRF। तो देखिए, MRF ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। MRF इसका जो एक शेयर है उसकी जो कीमत पहुंच गई है वो 1 लाख रुपये हो गई है। तो 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला देश का पहला स्टॉक है MRF, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर है मुंबई। मुंबई प्रथम स्थान पर है, इसके बाद दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली, तीसरे पर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के मामले में हाल ही में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आंसर है भारत। तो देखिए, सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान करने में, डिजिटल लेन देन करने में प्रथम स्थान पर है भारत, इसके बाद दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, तीसरे पर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तो CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में प्रथम स्थान पर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो आंसर है ब्रिटेन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर जो पहला वैश्विक सम्मेलन है, जिसका आयोजन इस साल के अंत में किया जाएगा, तो इसकी मेज़बानी करेगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है कर्नाटक राज्य ने। देखिए, ये योजना क्या है, तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना के तहत महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो आंसर है कर्नाटक राज्य ने। तो कर्नाटक राज्य में महिलाओं को फ्री बस यात्रा हेतु शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग खोली गई है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में 2023 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, मुथमिज सेल्वी कौन से राज्य की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है? तो आंसर है तमिलनाडु राज्य की। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु राज्य की पहली महिला बनी है मुथमिज सेल्वी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में एक नए चांद की खोज की थी, जिसका नाम रखा है ख्वासी मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश हाल ही में 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो आंसर है सर्बिया। तो भारत और सर्बिया के बीच अभी हाल ही में 2030 तक के लिए 1 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत किस देश के लिए रवाना हुआ? तो आंसर है श्रीलंका के लिए। तो देखिए, जून 2023 में भारत का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, जिसका नाम है MB Empress, तो ये चेन्नई से श्रीलंका के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो द हिंदू ग्रुप के अभी हाल ही में नई अध्यक्ष बनी है निर्मला लक्ष्मण।
तो दोस्तों ये थे जून 2023 के 70 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने 2023 के अब तक के सभी पुरस्कार का एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया था, आपको देखना है तो इस वीडियो को लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहां से जाकर 2023 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।